सोच रहे अगर बंगाल में तो ममता कुमार तो जहाँ कहीं कोई सिर उभारे दमन नीति अपना रखी, दमन नीति तो राज ने चला करता, कब तक चलाएंगे ये वाले जोन से हमें पीट रहे, रात को डंडे ले रहे, चाहे गांव में वोट मांगने नहीं आवेंगे, दिल्ली दिल्ली तक का काम चल जाएगा, लेकिन दिल्ली वाले भी नहीं देंगे, हम भी नहीं देख देंगे गांवों में कैसे डंडे लग जा कर कैसे मारा को घेर कर मारने की कोशिश कर रहा मोदी, पकड़ा दी सिद्धू इतना तो जीवी पकड़ लेना चाहिए था, इस पर 20-30 लाख रुपए का तुरंत नाम बोल के, और कहीं भी था जिले की रक्षा नहीं कर सकता, वो कहीं का प्रधानमंत्री है, इस्तीफा दे देना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए, देश की बेइज्जती कर रहा, तिरंगे झंडे की बेइज्जती वो कर रहा, केस कर सके हम पाताल तोड़ के पानी निकाल लें, सब पानी पिलावें, खेतों को सिंचाई करें, और हमारे यहाँ से पानी छब्बीस जनवरी के बाद किसान आंदोलन उठता नजर आ रहा था, लेकिन वह राकेश टिकैत जी का एक वीडियो वायरल होता है तो लोगों में एक भावनात्मक रूप से इस आंदोलन के साथ मजबूती से जुड़ने की एक और सहानुभूति जुड़ी, और इसी कड़ी में मेरे साथ में बाऊजी है, मैं बाऊजी से भी जानना चाहूंगी, बाऊजी जिस तरह से गतिविधियां हो रही है शासन और प्रशासन और सरकार की तरफ से, तो किस तरह से देख रहे हैं इनको? ऐसा है जिस समय अंग्रेजों के चंगुल में ये देश फंसाया था, मतलब उनका गुलाम था, केवल एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे को अपना वर्चस्व फैला के और देश को गुलाम कर दिया, लेकिन हमारे नौजवान जो हैं, नौजवानों में जोश भरा, भगत सिंह वगैरह भी तो चले गए, नौजवान ही थे, और उन्होंने अंग्रेजों को पीट पीट कर यहाँ से निकाला और देश आज़ाद कराया। अब जो है वो देश पूरे की तो बात दूसरी है, लेकिन किसानों को गुलाम करने की जो चाल चली मोदी ने, वो चाल कामयाब हम नहीं होने देंगे, क्योंकि देश हमारा है, जमीन हमारी है, बच्चे हमारे हैं, हर चीज़ हमारी है, इसने सारी चीज़ बेच ली, सुनने में तो ऐसा भी आ रहा, मैं स्टाम्प तो लिखा देखा नहीं, लेकिन लाल किला भी किसी को गिरवी धर दिया, क्यों धर दिया? लाल किला इसके बाबा ने बनवाया था, जो इसका है अपमान क्या है, तो लाल किले का अपमान नहीं करा, मैं अपमान उसका करा, उस व्यापारी का जिन नहीं मोल ले रखा। दूसरी बात, दीप सिंधु जो है वो प्रधानमंत्री की जड़ में नुखड़ा, अमित शाह के भी इनके इनका चेला है वो, और इनका एक षड्यंत्र था, बंगाल से अमित शाह ने आकर एक षड्यंत्र रचा, किसानों को गैल मार पीट करो, ये तो वो समझ गए जो कर रेल में आग लगा दी थी, इन किसानों में सारी में आग लगा दो मर जाएंगे, हमारे बच्चे लाश खा ले जाएंगे, लेकिन हम इस प्रकार से वापस जाने वाले नहीं हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ रखी, इससे बुरा हमारे लिए क्या कर सके, हम पाताल तोड़ के पानी निकाल लें, सब पानी पिलावें, खेतों को सिंचाई करें, और हमारे यहाँ से पानी भी काट दिया और रोशनी भी काट दी, तो किसानों को कुछ समझ नहीं रहा, लेकिन हम इसे सबक देंगे, हमारे नौजवान सबक देंगे, और जागृति आ गई है, नौजवान में वही जागृति है, जब अंग्रेज यहाँ से भगाए वे हमारे सरदार, उनका सरदारों का योगदान सबसे ज़्यादा सरदार थे, अब जो है सरदार फिर मारी गए उसी तरीके से हैं, और सरदार हम और सब हम भाई भाई हैं, और मोदी को ये चाल नहीं चलन दें, हम अपने खेतों में ना किसी व्यापारी को बढ़न दें, ना हम ये कानून मान लें, ये नहीं हटेंगी तो हम यही मर तो सकें, लेकिन कानून नुक्की नहीं अपने कंधे पर लेकर हम जाने के नहीं, हमारे बच्चों का कहना है तब मरोगे फूंक देंगे, और हम जो है वो खलबली मचाएंगे, जब पुलिस का क्या काम हो, डकैती पड़ने लग रही है मौके पर, डकैती गिर रहा और पुलिस बंदूक ले खड़ी, उसका काम है गोली मारे, दीप सिंधु का गोली क्यों उसका गोली क्यों नहीं मारी, दीप सिंधु का भाई पुलिस चारों तरफ को देख रही, लाल किले पर सारे हिंदुस्तान देख रहा है, लेकिन जब वो दीप सिंधु गोला वो ऊपर तो झंडा तो वो चढ़ा रहा था, वो किसी का भी चढ़ा झंडा उनने, लेकिन इस पुलिस ने मुँह क्यों फेर लिया, इन्हें का तो काम ही था, उसका गोली मारते नुकहते यूँ झंडे की बेइज्जती कर रहा था, और वो उसे तो काख में दे रहे, और हमें बाबूजी हमने एनआरसी में देखा था कि लगातार भारतीय जनता पार्टी और इसके समर्थक एक नारा दे रहे थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो आज कहाँ गए वो? जो बीजेपी वाले थे यू भी तो सिद्धू जो है इनका एक रात को एक प्रोग्राम बना, और प्रोग्राम बन के हमारे उधर सिंधु वाले जो थे किसान वे तो बैरिकेटिंग तक पीछे रही, अगले ढब बैरिकेटिंग कूद के अंदर मीटिंग कर रहे हैं, यही क्या इंसाफ है इसका, क्यों नहीं देख रहे मोदी वगैरह, आज यू क्या होने लग रहा, उसके साथ फोटो है
और हमारे सरदार जो हैं इन्हें भी बदनाम कर रहे, हमें दूसरों को भी बदनाम कर रहे, लेकिन इनकी बदनाम करे से हम बदनाम नहीं होने के, और हम सरदार और हम और जनता सब हमारे साथ है। कल देख लियो यहाँ क्या हालत होगी रात रात में जी। कितनी जनता जो सन्नी देओल है उसने ट्वीट किया था कि जो ये दीप सिद्धू है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं और इसको मैं जानता भी नहीं, लेकिन कुछ साल पहले की उसकी एक वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें कि वो कह रहा है कि ये मेरा यंगर ब्रदर है। तो यंगर ब्रदर है, नाच रहा उसके साथ, चुनाव में भी वहाँ से घूम रहा है, सारे काम कर रहा है दीप सिद्धू, कैसा वो है इनका, मेरा यू कुछ है ही नहीं, इनू कहने से काम नहीं चलेगा। इसे अब तक यो पकड़ा नहीं गया और किसानों को घेर कर मारने की कोशिश कर रहा मोदी, पकड़ा दीप सिद्धू, ये तो जीवी पकड़ लेना चाहिए था, इस पर 20-30 लाख रुपए का तुरंत ही नाम बोल के, और कहीं भी था धरती के तले भी था। जो लाल किले की रक्षा नहीं कर सकता वो कहीं का प्रधानमंत्री है, इस्तीफा दे देना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। देश की बेइज्जती कर रहा, तिरंगे झंडे की बेइज्जती वो कर रहा, किसान नहीं कर रहे। तिरंगे झंडे पर जो वो दीप सिद्धू चढ़ा वो मोदी का चढ़ाया हुआ है, मोदी के बराबर में उसके फोटो है। बाबूजी हम अक्सर देखते हैं कि जो भारत की राष्ट्रीय धरोहर हैं जितनी भी हैं वो हर व्यक्ति को अपनी जान से प्यारी होती है, लेकिन ऐसी क्या बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को उन चीजों पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा और लगातार इन धरोहरों को वो बदनामी करने का काम कर रहे हैं। ये तो लग रहा है इसे बंगाल जनता को आपस में लड़ाना चाह रहे, ये सोच रहे अगर बंगाल में तो ममता कुमार तो जहाँ कहीं कोई सिर उभारे दमन नीति अपना रखी, दमन नीति तो राज ने चला करता, कब तक चलाएंगे ये आना तो कम। ये बीजेपी वाले जोन से हमें पीट रहे, रात को डंडे ले रहे, क्या ये गांव में वोट मांगने नहीं आवेंगे? दिल्ली तक इनका काम चल जाएगा, लेकिन दिल्ली वाले भी नहीं देंगे, हम इन्हें देख देंगे गांवों में कैसे डंडे लगा कर कैसे हमारा बेइज्जती करें। पूरे हिंदुस्तान में ऐलान कर दिया गया, हमें यही देखना है कि बीजेपी वाले हमने नुई बनाए थे कि ये हमारी तो बनाई है, वोट हमारी तो दी हुई है, हमें नहीं पता था हमारी गल नो कर देंगे। हमारे नौजवानों ने दिन दिखा दिया इन्हें जिता के, और आ गए हम इन्हें गांव की सीम में भी घुसन नहीं देंगे, पीटेंगे खूब। तो बाबूजी जिस तरह का माहौल अभी पनपा हुआ है, क्या लगता है इसको देखकर आंदोलन आगे और तेज होगा या लोग अपने घर जाएंगे? नहीं, घर नहीं जाने के, घर नहीं जाने के, कल ही फोन आ लिए थे निंगे तिंगे थे सबके, बहुत चले हुए हैं, दूर दूर से आन लग रहे, और कल महापंचायत मुजफ्फरनगर की वहाँ ऐलान हो गया, बड़ो सारे कौन लग रहे, लाखों आदमी चल दिए। उन्होंने अपने माध्यम से जो दर्द है किसानों का, इस देश की जनता का, वो दर्द रखा, और वास्तव में वो दर्द जायज है, क्योंकि वो दर्द इसलिए जायज है क्योंकि आज भी कड़कड़ाती ठंड में लगातार किसान अपने मांगों को लेकर इन सड़कों पर डटा हुआ है, और उनकी यही डिमांड है कि जब तक सरकार इन तीन काले कानूनों को पूरी तरह से रद्द नहीं करती, हम घर वापसी नहीं करेंगे। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा।